आज पंचकुला के सीबीआई कोर्ट द्वारा बाबा राम रहीम को साध्वी रेप मामले में दोषी करार दे दिया गया है। हरियाणा पुलिस व आर्मी द्वारा बाबा राम रहीम को कोर्ट परिसर से ही हिरासत में लिया गया है, जहां से उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा है। फिलहाल उन्हें रोहतक जेल में रखा जाएगा, जहाँ वे सेना की निगरानी में रहेंगे। बाबा राम रहीम पर सजा का ऐलान 28 अगस्त को किया जाएगा। वहीं फैसला आते ही पंचकुला व कई अन्य शहरों में समर्थकों द्वारा उत्पात मचाया गया। पंजाब में मलोट व एक अन्य रेलवे स्टेशन पर आगजनी की खबर आ रही है। पंचकुला में भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं व कई जगह से हवाई फायरिंग की भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। बेकाबू उपद्रवियों को ने आज तक वह टाइम्स नाव की ओबी वैन में भी आग लगा दी है। कई अन्य शहरों से भी हिंसा की खबरें आ रही हैं व कई जगहों पर मीडियाकर्मियों पर भी हमले की कोशिश की जा रही है। वहीं कुछ मीडियाकर्मियों द्वारा पुलिस पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया जा रहा है।